नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप देख रहे हैं तापस फार्मेसी चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव और जाने माने दवा मृतसंजीवनी सुरा के बारे में। दोस्तों ये मृतसंजीवनी सुरा तो शराब की तरह ही दिखने में है और सुरा का मतलब शराब ही होता है। क्या दोस्तों ये सही में शराब है? क्या है इसका काम? ये सब जानने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहे। दोस्तों सुरा का मतलब तो शराब ही होता है। इसको सुरा इसलिए कह गया है क्योंकि इसमें 15% से भी ज्यादा सेल्फ जेनरेटेड अल्कोहल है। दोस्तों ये तो एक सुरा तो है, लेकिन ये मरे हुए को जीवन देने वाली सुरा है। मतलब ये एक सुरा का साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। दोस्तों इसमें कई बीमारी को दूर करने का क्षमता है। दोस्तों इसका कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो इसमें बाबुल की छाल, अनार, बसा, अश्वगंध, पुराना गुड़, जल के अलावा और भी बहुत सारा इफेक्टिव जड़ी बूटी का मिश्रण है जो इस दवा को अपने आप में बेजोड़ बना देता है। दोस्तों इस मृतसंजीवनी सुरा को डॉक्टर बहुत सिचुएशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ताकत की कमी, स्टेमिना पावर को बढ़ाने के लिए, पुरुष का यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसका यौन कमजोरी हो उसको ठीक करने के लिए, तेज बुखार में, ठंडे का मौसम में बॉडी को गर्म करने के लिए और भी बहुत सारा सिचुएशन में इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों मृतसंजीवनी मतलब मरे हुए को जीवन देने वाली ये एक सुरा है। दोस्तों इसका डोज का बात करें तो 15 से 20 बूंद तक रोज 3 बार पानी के साथ मिलाकर इसको पीना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका ओवरडोज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ओवरडोज से इस शराब की तरह ही नुकसान पहुंचा सकता है। ओवरडोज से बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि सिर में चक्कर आना, पतला दस्त होना, पेट खराब होना और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अच्छा तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ओवरडोज से इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का जानकारी। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही यूनिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कीजिएगा जरूर। दोस्तों मैं तापस इस वीडियो को आज यहाँ ही खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कोई खास यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।